हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ श्याम पट पाठ योजना। किसी भी पाठ योजना को स्टार्ट करें उससे पहले हमें उसकी एक निरीक्षण अनुसूची तैयार करनी होती है। सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लगाएंगे श्याम पट कौशल, उसके नीचे निरीक्षण अनुसूची। अब निरीक्षण अनुसूची को बनाने के लिए सबसे पहले हमें 5 मेन पॉइंट यहाँ पर लिखने होते हैं। सबसे पहले क्रम संख्या, दूसरा व्यवहारगत घटक, तीसरा रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में 3 कॉलम बनेंगे, न्यूनतम, औसत और अधिक। व्यवहारगत घटकों की बात करें तो इसमें 3 मेन पॉइंट रहेंगे। पहला, लेखन में स्पष्टता, दूसरा श्यामपट कार्य की स्वच्छता, तीसरा श्यामपट कार्य की उपयुक्तता। और इनके कुछ सब पॉइंट रहेंगे, उन सब पॉइंट के आगे कुछ नंबर डले होंगे। न्यूनतम में 2 नंबर हैं, 0 और 1। औसत में भी 2 नंबर हैं, 2 और 3। अधिक में भी 2 नंबर हैं, 4 और 5। टीचर को जैसा भी लगेगा आपने जिस तरीके से इन घटकों का उपयोग किया है अपनी माइक्रो टीचिंग के दौरान, तो टीचर उन नंबर्स के आगे टिक कर देंगे। क्योंकि जब माइक्रो टीचिंग चल रही होती है तो हमारी क्लास में ही होती है, तो हमारी स्कूल या हमारे कॉलेज की टीचर जो होते हैं वो हमें बैठ करके जज कर रहे होते हैं, और वो ये चेक कर रहे होते हैं कि हमने किस तरीके के घटकों का कितना प्रयोग करा। और जिस भी प्रकार से हम उनका प्रयोग करेंगे टीचर हमको यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। जब टेबल ख़त्म होगी तो एक और टिप्पणी आएगी जो कि होगी पर्यवेक्षक टिप्पणी। तो यहाँ पर पर्यवेक्षक टिप्पणी में पर्यवेक्षक जो भी आपके क्लास के टीचर रहे होंगे उन्हें जैसा भी लगेगा आपकी टीचिंग जैसी भी रही, इफेक्टिव कैसा रहा, वो यहाँ पर एक टिप्पणी लिख देंगे। इधर आएगा पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, तो टीचर यहाँ पर अपने साइन कर देंगे। अब अगर हम बात करें श्यामपट योजना की, श्यामपट योजना की अगर हम बात करें तो सबसे पहले दिनांक डालेंगे। जिस भी दिनांक में हम ये टीचिंग कर रहे होंगे हम वो दिनांक डाल देंगे। इसके बाद कक्षा, माइक्रो टीचिंग हमेशा अपनी क्लास के बच्चों में की जाती है, तो इधर हम समकक्ष डालेंगे। कौशल डालेंगे श्यामपट, विषय विज्ञान, प्रकरण, आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, तो आज हम पढ़ा रहे हैं पीएच स्केल। चक्र, हमने किस चक्र में ये लेसन प्लान पढ़ाया है, तो हम वो चक्र डाल देंगे। फर्स्ट, कालांश डालेंगे, माइक्रो टीचिंग के जितने भी कालांश होते हैं यानी कि समयावधि जिसे हम कहते हैं वो 6 मिनट की होती है, तो इधर हम 6 मिनट डाल देंगे। इसके बाद हम एक विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे श्यामपट कौशल के व्यवहारगत घटकों का विकास करना। इसके बाद एक उद्देश्य कथन जाएगा, आज हम लोग पीएच स्किल के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हम एक प्रस्तुतिकरण लिखेंगे जिसमें 4 पॉइंट होंगे, एक विषय वस्तु, दूसरा छात्राध्यापिका क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया और इधर श्यामपट कार्य। विषय वस्तु में जैसे आज हमारा टॉपिक है पीएच स्किल, तो विषय वस्तु में सबसे पहले हम यहाँ पर पीएच स्किल को एक्सप्लेन करेंगे। मीन्स अपनी क्लास में जब पढ़ा रहे होंगे बच्चों को, हम पीएच स्किल के बारे में उन्हें बताएंगे कि पीएच स्किल क्या है, पीएच स्किल की खोज कब हुई, पीएच स्किल की खोज किसने की। तो विषय वस्तु में हमें यहाँ पर 10 से 15 लाइन लिखनी होती है, और अगर आप इधर थोड़ा कम भी लिखना चाहते हैं तो चलेगा, लेकिन क्लास में आप उसे पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दें। जब आप बच्चों को एक्सप्लेन कर देंगे तो इधर छात्राध्यापिका क्रिया आएगी। इसमें आपको क्या करना होगा कि जो आपने बच्चों को समझाया है उसी से रिलेटेड अब आपको बच्चों से क्वेश्चन करने हैं। तो आप जब क्वेश्चन करेंगे तो छात्र क्रिया में उन क्वेश्चंस के आंसर आएंगे जो कि आपको बच्चे आंसर देंगे। तो सबसे पहले प्रश्न आप करेंगे, पीएच स्केल की खोज किसने की थी, तो बच्चे जवाब देंगे पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी। इसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, पीएच स्केल की सीमा कहाँ से कहाँ तक होती है, तो बच्चे जवाब देंगे पीएच स्केल की सीमा 0 से 14 तक होती है। इसके बाद आप तीसरा क्वेश्चन करेंगे, पीएच स्केल में 7 संख्या क्या प्रदर्शित करती है, तो बच्चे जवाब देंगे पीएच स्केल में 7 संख्या विलियन की उदासीनता प्रदर्शित करती है। इट मे बी पॉसिबल कि आप जो बच्चों से सवाल पूछ रहे होंगे बच्चे आप जैसा आंसर चाहते हैं बच्चे ठीक वैसा आंसर ना दें, तो आपको उसके लिए करना क्या होगा, मानते हैं आपने बच्चों से क्वेश्चन किया, आप किसी ने सही जवाब नहीं दिया या फिर किसी ने सही जवाब दिया लेकिन वो टूटी फूटी लैंग्वेज में दिया, तो एज ए स्टूडेंट टीचर आपको क्या करना है कि आपको क्लास में जो आंसर है, जो एग्जैक्ट आंसर है उसको क्लास में एक बार आपको दोहराना है जब बच्चे आंसर दे देंगे उसके बाद, ताकि अगर उस आंसर में बच्चों के द्वारा बताए गए आंसर में कोई गलती हो तो वो आपके द्वारा उसे मॉडिफाई हो जाए। अब लास्ट क्वेश्चन, मनुष्य के रुधिर का पीएच मान क्या होता है, तो बच्चे जवाब देंगे मनुष्य के रुधिर का पीएच मान 7.35 से 7.45 होता है। इसमें छात्राध्यापिका क्रिया में आप क्या करेंगे कि 4 से 5 प्रश्न रख सकते हैं। अब अगर हम इधर बात करें श्यामपट कार्य की, तो श्यामपट कार्य में आपको क्या करना है, बेसिकली
ये कार्य वो कार्य है जब हम क्लास में बच्चों को कुछ समझा रहे होते हैं, जैसे हमारा टॉपिक है पीएच स्केल, हमने बच्चों को पीएच स्केल समझाया, लेकिन अब हम चाहते हैं थोड़ा सा उन्हें बोर्ड पर भी लिख दें, फॉर एग्जाम्पल सोरेन एंड सोरेनसन है, तो बच्चों को हमने बोल करके समझाया, लेकिन हो सकता है किसी को क्लियर ना हुआ हो कि इन्होंने क्या बोला, तो आप बोर्ड पर लिख दें, अगर आप बोर्ड पर उसे लिख देंगी तो वो सबको क्लियर हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से आप पीएच स्केल बना करके क्लास में दिखा सकती हैं, अगर आपने पीएच स्केल क्लास में बना करके दिखाया उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होती है, तो बच्चों को और क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा पीएच स्केल ख़त्म हो जाएगा।